और ये है कल रात का। कल रात में वहाँ नीचे पे एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा के और गाना चल रही थी, तो मुझे तो गाना समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि ये भगवान का गाना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और क्लियर तो नहीं आ रही थी तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप भी सुनिए यहाँ का भगवान का गाना। और क्रिसमस का जैसा माहौल भी लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हेलो, नमस्ते, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे? और कल तो है क्रिसमस, तो सभी के लिए हैप्पी क्रिसमस। जिसका जिसका क्रिसमस है वो अच्छा से क्रिसमस मनाए, जैसे हम पूजा मनाते हैं वैसे ही आप लोग भी क्रिसमस अच्छा से मनाए। तो इस साल तो हमारे यहाँ क्रिसमस का उतना चहल पहल है नहीं, तो पहले पहले बहुत लाइटिंग होती थी, बहुत ही अच्छा से डेकोरेशन किया जाता था, लेकिन इस बार तो सब कुछ बंद है। और हम सब घूमते भी थे, रात को सब घूमते थे, लाइटिंग देखते थे, हम भी जाते थे घूमने के लिए, लेकिन इस साल तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, नहीं तो मैं आपको इस साल दिखाती यहाँ का कैसा होता है, यहाँ का क्रिसमस कैसा होता है मैं आपको दिखाती, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और आप लोग का तो ब्रेकफास्ट भी हो चुका होगा, लंच भी हो चुका होगा, क्योंकि मेरा वीडियो तो शाम को जाता है, तो आप लोग शायद अभी शाम का चाय पी रहे होंगे, कोई स्नैक्स खा रहे होंगे, तो आप लोग भी चाय कॉफी का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। और ठंड के टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है चाय पीना, कॉफी पीना, क्योंकि मुझे तो कॉफी पीना बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं तो अभी तो ठंड के टाइम में तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉफी पी रही हूँ, तो आप लोग भी पीजिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ पहले। और यहाँ मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जाके देखे कितनी सारी बाजार लेके आ गए, घर में मछली है तब भी लेके आ गए, तो यहाँ इन्होंने लिया है छोटा मछली, छोटा छोटा मछली, उसके बाद यहाँ साग, और ये मटर, ये मटर, और ये केला, और ये दूध। दूध तो हमेशा ही आता है, इसको तो दिखाने का जरूरत नहीं है। देखिए इतनी सारी, अभी मैं इसको कप साफ करूंगी, और कप में खाना बनाऊंगी, और कप में दुकान जाऊंगी। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट खत्म होने के साथ साथ ही मछली काटने बैठ गई हूँ, और बाहर इतनी हवा चल रही है, धूप नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ आके काट रही हूँ। और नहाने के बाद मछली काटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी काटना ही पड़ेगा, उसे साफ करके रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। और उसके बाद मैंने कपड़ा चेंज किया और मछली काटने बैठ गई, क्योंकि मछली नहीं काटने से भी नहीं होती है, काट के रखने से ही अच्छा है, तो इसलिए मैं मछली पहले काट लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। और मछली काटने के बाद मुझे कैसा कैसा लग रहा था, तो मैं नहाने चली गई, और उसके बाद आके ही मैंने दोपहर का खाना बनाया। तो मेरे हस्बैंड का पीस लेके आए थे, तो आधा तो मैंने डब्बा में भर के रख दिया है, और थोड़ी थोड़ी पीस को मैंने फ्राई किया है, क्योंकि मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने अंडा फ्राई किया था, तो तेल थोड़ी रह गई थी इतनी, तो उसी में मैं फिश की कड़ी बना लूंगी। तो यहाँ मेरी तेल गरम हो चुकी है, अब मैं यहाँ डाल दूंगी कटी हुई प्याज को। उसके बाद डाल दूंगी लहसुन को, सबको मैंने छोटा छोटा करके कट के रख दिया था, टमाटर और तीन हरी मिर्च, तीन नहीं चार, यहाँ एक दो दो और चार हरी मिर्च, इसको मैं थोड़ा
ऐसे ही फ्राई करूंगी। तो सबको थोड़ी फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, उसके बाद डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद डालूंगी मैं नमक। तो यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया है। अब यहाँ नमक हल्दी डालने के बाद इसको अच्छा से थोड़ी टाइम फ्राई करूंगी, उसके बाद में ढक के रख दूंगी क्योंकि हमें टमाटर को अच्छा से पकने देना है। और मेरे हस्बैंड को तो ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अभी मैं यहाँ फिश डाल दूंगी। थोड़ी गर्म पानी डालती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ धनिया काट के डाल दिया है, तो थोड़ी देर में ये बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मेरी सब्जी बन ही रही है, तो मैं पहले किचन साफ कर लेती हूँ। मेरा किचन का हालत देखिए बहुत ही गंदा है, देखिए कितनी गंदा है। यहाँ पे दूध की बर्तन इसकी हूँ, आज देखिए कितनी सन्नाटा है, खाली खाली सा है, क्योंकि आज 24 तारीख है, तो 24 को सभी बाजार की ओर ही जाते हैं, रात के लिए तैयारी करते हैं। और आज आकाश भी कितनी क्लियर साफ है। मैंने भी सोचा था आज बाजार जाऊंगी, मुझे भी कुछ लेना था, लेकिन आज नहीं जाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। भीड़ भाड़ में जाना अच्छा भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं जाऊंगी, बाद में ही जाऊंगी, न्यू ईयर क्रिसमस के बाद ही जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड दुकान चले गए हैं क्योंकि मुझे छोटा मछली काटना था, तो इसीलिए वो दुकान चले गए हैं। और मैं यहाँ खाना बना के उसके बाद ही मैं जाऊंगी, और कल तो शायद बंद ही रहेगा दुकान, देखती हूँ कैसा होता है। तो अभी मैं पहले साफ कर लेती हूँ। को मैं हमेशा ऐसे ही रख देती हूँ। और ये टोकरी को मैं यहाँ ऊपर रख देती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का टोपी है, इसको यहीं रख दूंगी। तो अभी मैं खोल कर देखती हूँ। तो ये बन चुकी है अभी, तो ये मेरी बन चुकी है। अभी मैं पनीर डाल दूंगी। दाल नहीं बनाऊंगी, थोड़ी ग्रेवी जैसी बनाऊंगी, थोड़ी ज्यादा ग्रेवी नहीं, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी। उसके बाद मैं डाल दूंगी थोड़ी धनिया। ये बन चुकी है, मैं गैस को ऑफ करती हूँ।
और आज का हमारा खाना है पनीर और छोटी छोटी फिश जो मैंने प्याज और टमाटर के साथ बनाया। तो अभी मैं दुकान जाऊंगी और बाद में आपसे मैं मिलती हूँ। और हम अभी खाना खा रहे हैं और हम धूप में बैठ के ही खाना खा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत ही ठंड है, तो इसीलिए हम धूप में बैठ के ही खाना खा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते।